असेंबली का अखाड़ा में बीजेपी के कैप्टन कहे जाने वाले अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र नारनौंद की बात करेंगे। कई बार हार का सामना करने वाले कैप्टन अभिमन्यु पहली बार 2014 में मोदी सुनामी में नारनौंद सीट पर जीत हासिल की और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैप्टन अभिमन्यु को ही दोबारा मौका दिया। वहीं इस सीट पर 43 साल से जीत के लिए तरस रही कांग्रेस वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा का एक हलका जहां से 42 साल से कांग्रेस जीत को तरस रही है वो विधानसभा क्षेत्र है नारनौंद। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहेगी। 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़े और जीत हासिल की। व्यापार छोड़कर राजनीति में आए अभिमन्यु को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। 2004 में नारनौंद से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़ा था पहला चुनाव। 2004 में कैप्टन अभिमन्यु उपचुनाव भी हार गए। उपचुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हारे थे। 2009 में नारनौंद विधानसभा सीट से चुनाव हारे। 2009 में ही रोहतक से लोकसभा चुनाव हारे। 2014 में मोदी सुनामी में कैप्टन अभिमन्यु जीते। विधानसभा चुनाव में 53,770 वोट मिले। एनएलडी के राज सिंह मोर को 5,761 वोट से हराया। नारनौंद सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो शुरुआती विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को छोड़ दें, कांग्रेस इस सीट पर 42 साल से वनवास झेल रही है। देखना होगा कि दिवाली से पहले कांग्रेस का वनवास खत्म होता है या नहीं। आइए आपको बताते हैं कि नारनौंद सीट पर अब तक किस पार्टी का दबदबा रहा है। 1951 में कांग्रेस के स्वरूप सिंह जीते। 1962 में निर्दलीय अमर सिंह जीते। 1967 में कांग्रेस के रामेश्वर दत्त जीते। 1968 और 1972 में कांग्रेस के जोगेंद्र सिंह जोग जीते। लगातार चार बार चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी से चौधरी बीरेंद्र सिंह जीते। 1982 और 1987 में लोकदल से चौधरी बीरेंद्र सिंह जीते। 1992 में जनता दल के चौधरी बीरेंद्र सिंह जीते। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के जसवंत सिंह जीते। साल 2000 में निर्दलीय राम भगत शर्मा जीते। 2005 में बीजेपी से राम कुमार गौतम जीते। साल 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल से सरोज मोर जीती। साल 2014 में बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु जीते। नारनौंद हिसार जिले का हिस्सा होने के साथ ही साथ ये हिसार लोकसभा इलाके में भी आता है। यहाँ पर जाट और SC ST वोटर ज्यादा हैं। नारनौंद में 1,86,568 वोटर हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 83,691 हैं, जबकि पुरुष मतदाता 1,02,877 हैं। साल 2007 में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद बरवाला, घिराई और हंसी के पोलिंग बूथ नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में मिला दिए गए। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद को उपखंड बनाया। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने 4 नए सरकारी कॉलेज, नए ITI, हिसार वेटरनिटी वर्सिटी सेंटर के कौशल विकास केंद्र खोलने, 2 जलमार्गों का पुनर्निर्माण करने समेत कई और सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम किया। अब देखना होगा कि नारनौंद की जनता इस बार कौन सी पार्टी पर भरोसा जताती है और किसे अपना विधायक बनाती है। नारनौंद से अजय लोहान की रिपोर्ट, R9 TV।